योर वॉइस इज नॉट कमिंग। हाँ, एक्स्ट्रा क्लास के लिए क्या है कि वो आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट कर देना है 15 दिसंबर तक। ओके, तो 15 दिसंबर मीन्स अभी काफ़ी टाइम है, तो मैम बोली कि एक्स्ट्रा की ज़रूरत अभी नहीं पड़ेगी, 15 तक आराम से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा हमारा मैथ्स का। तो एक्स्ट्रा क्लास तो नहीं होगा अभी आपका, लेकिन मैं 2 या 3 दिन के गैप में आपको एक वर्कशीट दिया करूंगा। ऑब्जेक्टिव टाइप का एक वर्कशीट होगा, 10 क्वेश्चंस रहेंगे उसमें। आपको जो चैप्टर में पढ़ाऊंगा उससे रिलेटेड आपका मल्टीपल चॉइस होगा, आप उसको सॉल्व करना, और उससे रिलेटेड जो भी डाउट है वो वीडियो आपका बना हुआ रहेगा पहले से, आप उसको देख लेना फिर सॉल्व करना आप, ओके सर, यस सर। है ना। लेकिन वो सर जो पीटी टू सुनो, कब होगा? एक बात और सुन लो, वो जो ऑब्जेक्टिव का 10 क्वेश्चंस का जो मैं टेस्ट लिया करूंगा हर एक 3 दिन पे, जो एक वर्कशीट दूंगा मैं आपको, यस सर। वो कॉन्सेप्ट उसका एनसीईआरटी से रहेगा, लेकिन क्वेश्चन आपका आउट ऑफ एनसीईआरटी होगा। जो अभी आप एजीसी में पार्टिसिपेट किए होगे, आर्यभट्ट गणित चैलेंज में, उसमें आपका क्वेश्चन का स्टैंडर्ड आपको पता चला कैसा है उसमें क्वेश्चन का स्टैंडर्ड? यस सर। हाँ, तो मैं जो आपको टेस्ट लिया करूंगा, जो जो वर्कशीट दूंगा मैं आपको ऑब्जेक्टिव का, एनसीईआरटी से बेस होगा, लेकिन क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में नहीं रहेगा, वो आउट ऑफ एनसीईआरटी रहेगा, लेकिन वो आपके काम का होगा। जैसे आप डिफरेंट एग्जाम जब आप दोगे, या स्कॉलरशिप का जब आप दोगे, या क्लास 9th में जब आप जाओगे, तो एनटीएससी का जब एग्जाम दोगे, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन है ना, वो सब से रिलेटेड आपको वो सब क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन उसका सारा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आपका लाइव क्लास में मैं क्लियर कर दूंगा, और कुछ एक्स्ट्रा अगर रहा तो उसका वीडियो बनाकर पोर्टल में ऐड कर दूंगा, आपको उसका लिंक भी मैं दे दूंगा। तो एक्स्ट्रा क्लास के लिए बेटा, हाँ, ओके एक्स्ट्रा क्लास अभी नहीं चलेगा क्योंकि मेरा सिलेबस फिफ्टीन सर। दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन मैं उस ग्रुप में और पोर्टल पे भी मैं आपको ऑब्जेक्टिव का ले लिया करूंगा, वर्कशीट के थ्रू आपका टेस्ट लिया करूंगा हर 3 दिन पे कोई एक टॉपिक। यस सर, तो आज यस हमारा, सर। आप बोलो, जल्दी बोलो बेटा, क्योंकि टॉपिक स्टार्ट करना है, बताओ क्या डाउट है। और सर कितना चैप्टर बचा है अपना? कितना चैप्टर बचा यही तो है, थर्टीन बुक थर्टीन में देख डायरेक्ट लेना। एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। नहीं, इसके बाद कितना बचा चैप्टर? इसके बाद सिर्फ हमारा एक चैप्टर और है, इसके बाद एक हमारा लास्ट है, देखो 13 के बाद। थर्टीन के बाद इसमें 14 है, रहेगा फैक्टराइजेशन। फैक्ट सर, देखो, ये उसके बाद नहीं है कोई सा सर, चैप्टर। मेंसुरेशन नहीं आएगा? है ना, ये फैक्टराइजेशन है, ये सिर्फ आपका है, बाकी वो दोनों ओमिटेड है। अच्छा, मेंसुरेशन ओमिटेड। और कुछ पूछना है किसी को? नो सर। सर सर आप टॉपिक स्टार्ट कर दो। ओके, मेंसुरेशन होगा तो कि नहीं? ये चैप्टर, ये जो डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 9th 10th से लेकर जब आप गवर्नमेंट का कोई भी कंपटीशन देखो, जैसे रेलवे का, बैंक का, एसएससी का, या आप एनटीएससी का जो दो, जब दो दोगे आप एग्जाम, उसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन से रिलेटेड काफी क्वेश्चन रहेंगे, और वो काफी टफ भी होंगे उस समय में। तो अभी आप ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर लो कि फर्स्ट आपका प्रोपोर्शन क्या होता है, और दूसरा आपका डायरेक्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। सो कोई एक बता सकता है क्या कि व्हाट इज प्रोपोर्शन? आप प्रीवियस क्लास में रेशियो, प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि हाँ कोई दो वैल्यू को कंपेयर करना, मतलब चैतन्य उसके बीच में किसी सुनो, साइन का यूज करना है जिससे वो कंपेयर हो। चैतन्य एक मिनट चैतन्य सुनो, सुपर। चैतन्य यस सर। हाँ, आप बेटा एक नया माइक्रोफोन ले लो, आपकी आवाज, जब से मैं स्कूल ज्वाइन किया हूँ ना, आपकी वॉइस उसी उस समय से जो डिस्टर्ब है अभी तक डिस्टर्ब ही है। एक नया माइक्रोफोन ले लो, क्योंकि आप जब भी बोलते हो आपकी वॉइस क्लियर ही नहीं रहती है, तो आप एक नया लो। अभी आप क्लियर है हाँ, क्या? आप जो बोल रहे हो वो मैं सुन तो रहा हूँ, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आपकी वॉइस क्लियर ही नहीं है। अब क्लियर है? देखो, फर्स्ट माइक के प्रोपोर्शन, पास आते हुए प्रोपोर्शन जो है, ये आपका प्रोपोर्शन, इससे जस्ट पहले एक टर्म था आपका रेशियो। प्रोपोर्शन समझने के लिए रेशियो को समझना जरूरी है। सो फर्स्ट, व्हाट इज रेशियो एंड व्हाट इज प्रोपोर्शन? सेकंड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेशियो एंड प्रोपोर्शन? सो एनीवन कैन डिफाइन व्हाट इज रेशियो? सर, यस, रिप्लाई करो बेटा। चैतन्य, रिप्लाई तो करो। हाँ यस सर। गंदा सर वो बताओ। बोल रहा था रेशियो का मतलब होता है कि कोई भी दो क्वांटिटीज जो रहती है ना, उनको मतलब क्या बोलते हैं, कंपेयर करना रेशियो के फॉर्म में, ना कि फ्रैक्शन के फॉर्म में। ओके सर। प्रपोर्शन मैं बताऊं?
नहीं बेटा, रेशियो को कोई और बताओ, चेतन के अलावे कोई और बताओ। यस सूर्यांश सर, मैं बताओ। हाँ बताओ बताओ। हाँ सर पुलकित। यस बोलो। यस सर, द रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स व्हिच शोस हाउ मच बिगर वन क्वांटिटी इज देन अनदर। यस वेरी गुड। एक्चुअली रेशियो इज द कंपैरिजन ऑफ सिमिलर क्वांटिटी। रेशियो क्या है? रेशियो इट इज अ कंपैरिजन ऑफ बिटवीन टू नंबर्स सिमिलर क्वांटिटी। अब एक के टर्म आपका सिमिलर, सो मैं सिमिलर क्यों लिया हूं बेटा, देखो फर्स्ट रेशियो हम ये दो क्वांटिटी। सर मेरा एग्जांपल सही है कि नहीं? एग्जाम्पल आपका सही है बेटा, 3:2 आपका सही है। पहले रेशियो समझो, रेशियो क्या है? पहले जब हम लोग किसी का कंपेयर करते थे, जैसे मान लो मैं मार्स का कंपेयर करूं कि गुलजन का मार्स मैथ्स में 35 आया, चेतन का मार्स मैथ्स में 30 आया, तो दोनों का मार्स में कंपेयर मैं कैसे कर रहा हूँ? डिफरेंस से, मीन सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। सपोज दैट गुलजन, इसका मार्स मैथ्स में क्या आया 35, ये चेतन इसका मार्स मैथ्स में क्या आया 30, तो मैं जब कंपेयर कर रहा हूँ तो मैं कह रहा हूँ कि गुंजन और चेतन के मार्क्स में डिफरेंस क्या 5 मार्क्स का है। ये भी हमारा कंपैरिजन तो है, दो क्वांटिटी का कंपैरिजन है, लेकिन ये कंपैरिजन किससे है? ये कंपैरिजन हम लोग सब्ट्रैक्शन के थ्रू कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं थ्रू सब्ट्रैक्शन के जरिए कि 35 और 30 में 5 मार्क्स का डिफरेंस है या नहीं। तो आपके पेरेंट्स कभी बोलते होंगे कि आप क्या पढ़ाई करते हो, देखो हमारे फलाने का लड़का 95% लाया, आपका क्या है 80% है। तो ये जो कंपैरिजन हो रहा है, ये जो कंपैरिजन हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है? वो देखो, डिस्टर्ब नहीं करो बेटा, अभी आप म्यूट कर लो आप। परसेंट सुनो, ये कंपैरिजन की बात आ रही है ना, तो कंपैरिजन कई लोग क्या होता है, क्या हो गया लव्य सोनी, क्या बोल रहे हो लव्य सोनी? ओके देखो, तो पहले हम लोग जब कंपैरिजन करते हैं, कई बार तो आप सब्ट्रैक्शन के थ्रू भी करोगे, जैसे किसी का कंपेयर अगर आप ही का कोई भाई बहन हो तो किसी का मार्क्स 90% आ गया, किसी का मार्क्स 80% आ गया, आपको कंपैरिजन होता होगा कहीं ना कहीं कि उसका 90 है और आपका 80% है, तो वो भी कंपैरिजन है, लेकिन वो किसके थ्रू है? वो आपको सब्ट्रैक्शन के थ्रू है। लेकिन कंपैरिजन का एक और बेहतर कॉन्सेप्ट है जिसमें हम लोग डिवीजन के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। जैसे अभी मैं सब्ट्रैक्शन के थ्रू कंपेयर करूं गुंजन का और चेतन का मार्क्स का, सपोज दैट कि गुंजन का मार्क्स 35 है मैथ्स में और चेतन का मार्क्स क्या है 30, तो अगर मैं सब्ट्रैक्शन के थ्रू अगर मैं कंपेयर कर रहा हूं तो दोनों का डिफरेंस हमारा क्या आ रहा है 5, दोनों के मैथ्स में मार्क्स का डिफरेंस क्या आया हमारा 5 आया। लेकिन अगर मैं डिवीजन के थ्रू अगर कंपेयर करूं दोनों के मार्क्स का, तो आपका ये गुंजन का मार्क्स है और ये चेतन का मार्क्स है, तो गुंजन का मार्क्स हमारा 35 है और चेतन का मार्क्स क्या है हमारा 30, तो 35 और 30 का अगर मैं सिंपलेस्ट फॉर्म लूं 57 जा 35 और 56 जा 30 मींस 7/5 दिस इक्वल 7:5। तो अब अगर तो ये आपका रेशियो हो गया, रेशियो गुंजन के लिए क्या आया आपका, गुंजन के लिए आपका 7 आया और चेतन के लिए 5 आया, मींस चेतन और गुंजन का मार्क्स का जो रेशियो है वो है 7:5। सर 7:5 बता रहा है कि अगर अगर चेतन को 5 मिले हैं तो चेतन को 7 मिल रहे हैं। सर 7:6 है, 7:6 लिख दिया जब। यस 7, अरे कोई नहीं ना भाई, एग्जांपल बता रहे हैं। 7:6 है बेटा, ठीक है, ये आपका 7:6 ये है ना। देखो ये अब ये कैसे आगे ये प्रोपोर्शन में कन्वर्ट हो रहा है, मैं ये गुंजन है और ये चेतन है, इसका रेशियो क्या आया 7:6। 7:6 का मतलब कि अगर चेतन को 6 मार्क्स है तो गुंजन को क्या है 7। मैं और एक चेतन को बोलूं कि चेतन का 12 मार्क्स अगर है, चेतन का अगर 12 मार्क्स है तो आप गुंजन का मार्क्स इस मेथड से कैसे निकाल लोगे, इजी वे में 6 × 2 = 12, तो 7 × 2 = 14। अगर मैं चेतन का मार्क्स बोलूं, क्योंकि चेतन का मार्क्स 18 है तो गुंजन का क्या मार्क्स होगा 21। अब नेक्स्ट अगर मैं ये बोलूं 22 आना चाहिए, गुंजन का 28 मार्क्स है तो चेतन का क्या होगा सर, कैसे 24 24 सर।
24 ना, 24 आ रहा बेटा, ओके? यस सर, यस सर। सो रेशियो मीन्स इट इज अ कंपैरिजन ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज। हम लोग जब दो सिमिलर क्वांटिटीज को जब हम लोग कंपेयर कर रहे हैं तो वो हमारा रेशियो है। अब प्रोपोर्शन क्या होता है बेटा? रेशियो तो अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। रेशियो सर रेशियो के रिप्रेजेंट करने के साइन को सबको म्यूट करते हैं, एक बार बहुत करने के लिए हम लोग प्रोपोर्शन का यूज करते हैं। यस लक्ष्य, हाँ बोलो बेटा। सर मेरे को चांस मिलना चाहिए। सर मींस जो दो दो क्वांटिटीज का कंपैरिजन होता है उन क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए मींस प्रोपोर्शन का प्रोपोर्शन काम आता है, मतलब प्रोपोर्शन का यूज होता है। सर नहीं आया समझ। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। यस वेरी गुड। देखो आपके लिए कुछ एग्जांपल है बुक का ही है। प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट सोचो। इफ द नंबर ऑफ आर्टिकल्स परचेस्ड इंक्रीज, अगर आप कोई शॉपिंग मॉल में जा रहे हो है ना, आपने कोई दो आर्टिकल लिया है, इसका कॉस्ट क्या आया? 20 रुपीज। अगेन आपने कितने आर्टिकल ले लिए? 4 आर्टिकल, तो इसका कॉस्ट आ रहा है आपका 40। अगर आप आर्टिकल अगर आप ज्यादा परचेज कर रहे हो तो आपका कॉस्ट क्या है? इंक्रीज कर रहा है। सिमिलरली अगर आप कोई आर्टिकल कम अमाउंट में परचेज कर रहे हो तो आपका कॉस्ट क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन मीन्स क्या है कि अगर मैं आपके पास में वन क्वांटिटी है, अनदर क्वांटिटी है, अगर मैं दो क्वांटिटी में अगर कंपेयर करूं और इफ अगर हमारा फर्स्ट क्वांटिटी अगर इंक्रीज कर रहा है और सेम रेट में हमारा सेकेंड क्वांटिटी भी इंक्रीज कर रहा है तो ये हमारा कौन सा प्रोपोर्शन है? ये हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। डायरेक्ट सेम रेट में अगर फर्स्ट क्वांटिटी अगर इंक्रीज कर रहा है तो सेकेंड क्वांटिटी भी सेम रेशियो में अगर वो भी इंक्रीज कर रहे तो वो आपका प्रोपोर्शन होगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इसका और भी एग्जांपल है, जैसे आप मान लो ऑटो का किराया दे रहे हो। यस सर। ऑटो का किराया कोई डेली लाइफ एग्जांपल दो उससे ज्यादा समझ आएगा। इससे मतलब 5 किलोमीटर का अगर आपको किराया मान लो एग्जाम्पल 10 रुपीज है तो 10 किलोमीटर का आपको कितने देने पड़ रहे हैं? 20 रुपीज। ये एग्जाम्पल जैसे जैसे आपका डिस्टेंस आप ट्रेवल मैक्सिमम डिस्टेंस अगर आप ट्रेवल करोगे तो आपका कॉस्ट भी क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है तो कॉस्ट आपका इंक्रीज कर रहा है। ये किसका एग्जाम्पल है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का सो डायरेक्ट प्रोपोर्शन सर समझ नहीं आया, एक और बार समझा दो सर एक बार प्लीज। ठीक है, मैं अभी टॉपिक में हूँ, टॉपिक से बाहर नहीं गया हूँ। ये चैप्टर आपका, इसका कई सारे वीडियो एक्स्ट्रा बनेंगे, याद रखना, क्योंकि लाइव क्लास में हर कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर सकता हूँ। लाइव क्लास हमारा मतलब वो सीमित है, इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा वीडियो बनाकर मैं आपको पोर्टल में आपको भी डालूंगा। लेकिन एग्जाम्पल नहीं, पहले आप देखो डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन इज द रिलेशनशिप सर, सबकी वॉइस मिक्स हो रही है। कर दो सर। सर वेट करो बेटा, पुलकित और चैतन्य वेट करो, आप वेट करो 5 मिनट के लिए, ओके? सो डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या है बेटा? सो डायरेक्ट प्रोपोर्शन इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स हुज रेशियो इज इक्वल टू अ कांस्टेंट वैल्यू। आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन मींस क्या? ये आपका रिलेशनशिप है, दो वेरिएबल के बीच का जो कांस्टेंट है वो हमेशा आपका क्या होगा? इक्वल आएगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया डिस्टेंस, अगर आप मैक्सिमम ट्रेवल करोगे तो आपका रेंट भी क्या होगा? वो इंक्रीज करता जाएगा। और एक एग्जांपल मैं आपको लूं, मैंने आपको बताया कि आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स जितनी ज्यादा परचेज करोगे आपका जो कॉस्ट है वो भी क्या इंक्रीज करता जाएगा। जैसे जैसे आप आर्टिकल परचेज करते जाओगे आपका कॉस्ट आपको ज्यादा देना होगा। अगर आप जैसे डिस्टेंस की अगर मैं एग्जाम्पल लूँ तो आप डिस्टेंस जितना ज्यादा ट्रेवल करोगे आपको उसके पैसे उतने ज्यादा देने पड़ेंगे। सो वन क्वांटिटी और अनदर क्वांटिटी के बीच का जो रेशियो है वो क्या है? कांस्टेंट है। अगर आप डिस्टेंस को इंक्रीज कर रहे हो तो आपका मनी वो भी ज्यादा खर्च हो रहा है, या अगर किसी आर्टिकल को आप जितने ज्यादा परचेज कर रहे हो उसका कॉस्ट भी ज्यादा जा रहा है, या आप कोई होटल में जा रहे हो मान लो रेस्टोरेंट में गए हो, आप जितना ज्यादा फूडिंग आइटम लोगे
आपका कॉस्ट उतना ज्यादा इंक्रीज होगा। यो ये सारे के सारे एग्जाम्पल आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। सो डायरेक्ट प्रोपोर्शन इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स हुज रेशियो इज इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट वैल्यू। ओके, एक एग्जाम्पल आप देखो, आपके घर में ये होगा डॉगी, ओके, ये 1 ईयर्स है, ये 2 ईयर्स है। सिमिलरली एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, किसी का भी हाइट है लेंथ, हालांकि वो एक फिक्स टाइम आने के बाद वो हाइट और लेंथ उसका इंक्रीज नहीं होता है, लेकिन ये जस्ट एक फिगर के जैसा एग्जाम्पल है कि ये आपका जो इंक्रीज इन साइज, ये आपका किस रेशियो में, ये आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। अनम्यूट कर रहा हूं बेटा, कुछ डाउट है तो बोलो। सर डाउट है, समझ आ गया, क्लियर है सर, बहुत अच्छे से समझ आ गया। सर डाउट है, बोलो। क्लियर है, अगर कोई 2 घंटा काम कर रहा है सर, एकदम फैंटास्टिक, क्लियर। हां सर, बहुत अच्छे से समझ आ गया सर। बेटा एक साथ बोलो, नहीं एक साथ पूछ रहे हैं, प्रोपोर्शन क्या होता है? हां क्या चैतन्य, ठीक है चैतन्य बोलो, क्या डाउट है? सर मैं बोल रहा था कि इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन अभी तक मैं जो एग्जांपल दिया आप समझे नहीं, डिस्टेंस का, कॉस्ट का, आप रेस्टोरेंट में जा रहे हो, इनडायरेक्ट बोल रहे हैं, इनडायरेक्ट। रुक जाओ सर, इनडायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन एक ही है। हाँ, इनवर्स और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन एक ही है, मैं आपको उसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इनडायरेक्ट का मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये तो डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट का देखो। इनडायरेक्ट का, ओके, इनडायरेक्ट में सपोज दैट चेतन रेस्टोरेंट चला गया, चेतन के पास में 100 रुपीज है, ओके, चेतन के पास में 100 रुपीज है और ये चेतन सिर्फ सिंगल गया है रेस्टोरेंट में के लिए, रेस्टोरेंट में सिंगल गया, तो 100 रुपीज में इसके पास में 1, 2, 3, 4, 5 फूडिंग आइटम इसने परचेज किए 100 रुपीज में चेतन ने, ओके। बाद में चेतन की फ्रेंडशिप आप लोगों से हुई तो चेतन के साथ कितने लोग गए, 1, 2, 3, 4, 5, ओके। चेतन अपने 5 फ्रेंड्स के साथ उस सेम रेस्टोरेंट में गया, अब उसके पास 100 रुपीज ही हैं, लेकिन जो फूडिंग जो आइटम है, फर्स्ट ट्रिप में उसने 5 फूडिंग आइटम लिए थे, क्या सेकेंड ट्रिप जब वो अपने 5 फ्रेंड्स के साथ जा रहा, क्या वो सेम 5 फूडिंग आइटम परचेज कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके दोस्तों की संख्या जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही कम क्वांटिटी में वो परचेज कर पाएगा। मीन्स आप मान लो वो सिंगल वो आइटम, वो फूडिंग आइटम ले रहा है। इसका एक और एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, आर्मी का जो होता है कैंट, आर्मी कैंट, ओके, आर्मी कैंट में जो कैंटीन है, या मान लो अपने जो स्कूल में जो कैंटीन है जहाँ आप लोग आते हो लंच के लिए और डिनर के लिए, लंच और डिनर के लिए आ रहे हो, अब आप अभी लॉकडाउन है, कोरोना है, तो जो आपका मंथली का जो एक्सपेंसेस था, ओनली हम लोग 10% है अभी, 10% है, तो वो क्वांटिटी हमारा कैंटीन का कितने 6 मंथ चल रहा है, कितने मंथ चल रहा है, 6 मंथ चल रहा है। लेकिन स्कूल के खुलने के बाद जब आप सभी वापस कैंटीन में आओगे तो 10% से ये मान लो 500 स्टूडेंट आ गए, तो 500 स्टूडेंट आ गए, तो कैंटीन में जो आपका जो फूडिंग आइटम्स है वो 6 मंथ की जगह कितने मंथ चलेगा, वो 1 मंथ चलेगा। तो इनवर्स प्रोपोर्शन क्या बताता है बेटा, इनवर्स प्रोपोर्शन एक रिलेशन बताता है वन क्वांटिटी में, कि अगर वन क्वांटिटी हमारा इंक्रीज हो रहा है तो अनदर क्वांटिटी हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। वन क्वांटिटी अगर हमारा इंक्रीज हो रहा है तो अनदर क्वांटिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और वो सेम रेशियो में, जैसे जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज होंगे उतना हमारा जो मंथ है वो रिड्यूस होगा, या जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ डिक्रीज होंगे, मतलब जिस सिर्फ अभी हम लोग मान लो 10% है, तो 10% है तो सेम जो हमारा जो किचन में जो फूडिंग आइटम वो 6 मंथ चलेगा। तो इनवर्स प्रोपोर्शन या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में आप याद रखना कि रिलेशन हमारा अपोजिट होता है, अगर एक इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा हमारा क्या होगा, डिक्रीज करेगा। लेकिन डायरेक्ट प्रोपोर्शन में वन क्वांटिटी अगर इंक्रीज हो रहा है तो सेम रेट में अनदर क्वांटिटी भी इंक्रीज होगा। कोई डाउट है तो पूछो, आप किसी पुलकित? नो सर, दोनों प्रोपोर्शन एकदम क्लियर समझ आ गया, ये ऐसे समझाए तो।
कोई डाउट इससे है तो आप लोग अगर क्लास में नहीं पूछ पा रहे हो तो व्हाट्सएप में है, व्हाट्सएप में भी आप अपना डाउट पूछना। और ये जो चैप्टर है मेरी बात सुनो, हाँ सर, इनडायरेक्ट में डिक्रीज होता है और डायरेक्ट में इंक्रीज होता है। हाँ बेटा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में जो दोनों क्वांटिटी के बीच में जब हम कंपेयर करेंगे तो दोनों क्वांटिटी अगर फर्स्ट हमारा इंक्रीज हो रहा तो अनदर भी इंक्रीज होगा, या फर्स्ट अगर डिक्रीज हो रहा तो अनदर भी हमारा डिक्रीज होगा, मींस उसका जो डायरेक्शन है वो सेम होगा, इंक्रीज तो इधर भी इंक्रीज या डिक्रीज तो ये भी डिक्रीज। लेकिन इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या है कि फर्स्ट क्वांटिटी अगर इंक्रीज कर रहा है तो सेकंड क्वांटिटी और डिक्रीज करेगा, या फर्स्ट क्वांटिटी हमारा डिक्रीज कर रहा है प्रॉपर्टी वाला समझ नहीं आ रहा है। क्या नहीं समझ में आ रहा है बेटा बताओ ना। और इसके पहले जो आप बोले एक तरह से इंक्रीज होगा दूसरे तरह से डिक्रीज होगा। हाँ सर, मैसेज करो बेटा, जो नहीं समझे हो ना वो मैसेज करो। इसका एक क्वेश्चन सॉल्व कर, सर इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करके बता दो ऐसी एग्जांपल में तो समझ आ जाएगा। हाँ सर, डायरेक्ट होता है। ओके मैं आप लोग तो फिजिक्स पढ़ रहे हो ना क्लास में? हाँ, फिजिक्स का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। ओके, आपका फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। यस सर। ओके, मींस एफ इक्वल टू एम ए, ये आपका प्रोपोर्शनल कांस्टेंट अगर मैं हटा दू, चलो मैं प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को मैं नहीं हटा रहा। ओके, मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स। अब सपोज दैट आपका मास इक्वल टू 10 केजी है। ओके यस सर, मास इक्वल टू 10 केजी और आपका एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आपका 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आप फोर्स निकालो, फर्स्ट कंडीशन जब आपका मास 10 केजी और एक्सेलरेशन 1 है तो आपका फोर्स क्या होगा, 10 इनटू 1 दिस इक्वल्स 10 न्यूटन। फोर्स का, फोर्स का क्या हो गया आपका यूनिट न्यूटन हो गया। ये आपका क्या बता रहा है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन बता रहा है एक्स का। और आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे अगेन मैं मास अगर 10 की जगह मैं 20 ले लूँ, तो 20 ले लूँ और आपका एक्सेलरेशन सेम रहने दो, आपका एक्सेलरेशन 1 ही है, तो अब आपका फोर्स क्या हो जाएगा, 20 न्यूटन। अगेन मैं मास आपको मैं 30 केजी ले लूँ, तो 30 को मैं 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये आपका क्या आ गया, 30 न्यूटन। तो आप देखो ये फॉर्मूला में ये आपका एफ इक्वल टू एम ए, ये आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि अगर मैं मास 10, 20, 30 जा रहा हूँ तो आपका फोर्स भी क्या आ रहा है, 10, 20, 30। अगर मैं मास इंक्रीज कर रहा हूँ तो आपका फोर्स भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ये आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अब एक क्वेश्चन पूछू मैं, अच्छा सुनो, अब आप अच्छे से बताओ कि किसे किसे नहीं समझ में आ रहा बेटा डायरेक्ट प्रोपोर्शन, किसे किसे नहीं समझ में आ रहा, मैसेज करना जरा। सर मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही, समझ मेरी बात सुनो ना, नहीं आप सिर्फ मैसेज कर दो कि डायरेक्ट में किसे किसे प्रॉब्लम है, पहले मैं डायरेक्ट कर क्लियर करूं फिर इनडायरेक्ट करता हूं। सर क्लियर है अच्छे से दोनों क्लियर, तो फिर बार बार क्यों बोल रहे हो? सर मेरे को नहीं है, दूसरों को होगा डाउट। ठीक, किसे जिसे डाउट किसे बताओ, साक्षी को इनडायरेक्ट में डाउट, किसी को नहीं है सर। सर आप डेयरी मिल्क के एग्जांपल से बता दो। सर एक मिनट सुनो, एक क्वेश्चन है, एक पार्किंग लॉट का क्वेश्चन दिया है, वही मैं उससे एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ। 4 घंटे का ₹60 लगता है, 8 घंटे का ₹100 और 12 घंटे का ₹140 और 24 घंटे का। नोट कर लो बेटा, हाँ सर ठीक है। 4 आवर्स का कितना लग रहा है आपका, ₹60 और नेक्स्ट आपका 8 आवर्स का ₹100 8 आवर्स का ₹100 सर एंटी फर्स्ट क्वेश्चन है। हाँ भाई कोई बात नहीं, हाँ बोलो ना। हाँ और नेक्स्ट आपका 12 आवर्स का ₹140 है ना।
अब देखो अब आपको चेक करना कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या नहीं है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मैं क्या बताया, फर्स्ट आपको ये बताया कि बताया था कि अगर वन क्वांटिटी हमारा इंक्रीज हो रहा है तो सेम रेट में, रेट आपका क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, तो सेम रेट में हमारा अनदर क्वांटिटी भी इंक्रीज होगा। तो आप इसका रेशियो निकालो, फर्स्ट का रेशियो 4 आवर्स है, तो मैं आवर्स डिवाइडेड बाय रुपीज का मैं रेशियो, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है। आवर्स को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 4 आवर्स, सॉरी आवर्स को डिवाइड कर रहा हूँ मैं रुपीज में, अगर इसका रेशियो कांस्टेंट है तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। जैसे 4 आवर्स 4/60, तो 4/60 का सिंपलेस्ट फॉर्म आप ले लो, क्या होगा, मींस 1/15, ये आपका 1/15 आ गया। सेकंड में अब आप लो, सेकंड में आप डिवाइड करो किससे, 8/100 से, ओके okay? आप 8 में डिवाइड करो 100 से, तो 4 × 2 = 8 और 4 × 25 जा, क्या हो रहा है ये, तो ये आप 8 को 100 से डिवाइड कर रहे हो तो इसका रेशियो क्या रहा, 2/25, तो देखो फर्स्ट आप 25, तो फर्स्ट के लिए आपका रेशियो 1/15 है और सेकंड के लिए आपका रेशियो क्या रहा, 2/25, एंड वी नो दैट 1/15 इज नॉट इक्वल टू 2/25, दैट्स व्हाई इट इज नॉट कंसीडर्ड एज ए डायरेक्ट प्रोपोर्शन। क्यों, क्योंकि इसका जो okay, हमारा, समझ आ गया, समझ में आया, इसका जो रेशियो वो इक्वल नहीं आ रहा बेटा, सेम अमाउंट में, मींस ये आपका सेम अमाउंट में इंक्रीज नहीं कर रहा, फर्स्ट कंडीशन में कुछ और इंक्रीज किया, सेकंड कंडीशन में और कुछ इंक्रीज कर रहा है, अगर दूसरा भी 1/15 होता तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता, हां तब वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता। यस सर, तो ये मतलब इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है ना, नहीं इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट में तब होता ना बेटा जब हमारा फर्स्ट क्वांटिटी इंक्रीज कर रहा है और सेकंड हाफ पर डिक्रीज कर रहा है, ये एक्चुअल में ये सर तो ये मतलब कोई सा नहीं है, नहीं ये प्रोपोर्शन ही नहीं है, देयर आर टू टाइप ऑफ प्रोपोर्शन, फर्स्ट वन इज डायरेक्ट एंड सेकंड वन इज इनडायरेक्ट, लेकिन बट प्रोपोर्शनल कांस्टेंट इज ऑलवेज सेम इन बोथ कंडीशन, आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन में भी प्रोपोर्शनल कांस्टेंट जैसे ही आपका वन नहीं होता ये, हाँ सेम आएगा, अगर आप डायरेक्ट हो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में तो उसका भी कांस्टेंट आपका सेम होना चाहिए रेशियो, या अगर इनवर्स में जा रहे हो तो वो भी हमारा सेम अमाउंट में होना चाहिए, ये एक्चुअली ये आपका कोई भी प्रोपोर्शन ही नहीं है, ये आपका प्रोपोर्शन ओके सर। अच्छा ये बताओ आप में से कितने बच्चे हो जो वीडियो को नहीं देखे हो, जो कल मैं डाला था आपके ग्रुप में और पोर्टल में, एक्सपोनेंट सर मैं नहीं देखी, देखो मैं डाले हो सर, मैं देखी हूँ, देखो वो पोर्टल सर मैं देखा हूँ, पोर्टल में डाले हैं, अब वो पोर्टल में है बेटा, पोर्टल में आप उसे वॉच करो देखो और उसे कॉपी में कंप्लीट करके सॉल्व करना, और सर एक्सपोनेंट, और सुनो उसमें एक्सपोनेंट वाला वीडियो, एक्सपोनेंट का है बेटा वीडियो, वो लास्ट का है, आप में से कई बच्चे बोल रहे थे ना कि वो बहुत इजी क्वेश्चन है, तो सारे क्वेश्चन सही जी है, लेकिन हो सकता है क्या हो रहा है ये, हार्दिक म्यूट कर लो हार्दिक, तो आप वो सॉल्व करो, वीडियो देखो, कॉपी में सॉल्व करो क्वेश्चन को, और वीडियो में देखने के बाद भी अगर कोई डाउट रहता तो फिर हमको मैसेज करना, और इसका ये जो डायरेक्ट और एक बात और है, ये देखो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ये जो प्रोपोर्शन है, इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए क्लास हमें ज्यादा चाहिए, तो मैं इसका एक्स्ट्रा वीडियो थोड़ा बनाऊंगा, जैसे अभी हमारा सिर्फ डायरेक्ट में क्लास चला गया, मैं तो एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं कर पाया, तो एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं कर पाया मैं, कुछ कोई टॉपिक हो ही नहीं सकता पता है, नहीं तो इसका एक सॉल्यूशन है ना बेटा, अगर मैं कॉन्सेप्ट को लाइव क्लास में क्लियर कर रहा हूँ, टफ क्वेश्चंस को मैं लाइव क्लास में क्लियर कर रहा हूँ, जो एकदम इजी क्वेश्चंस है जो आपको होमवर्क के रूप में दिए जाएंगे, वो इजी क्वेश्चंस मैं वीडियो में भी डाल दूंगा, आप उससे भी देख सकते हो, और आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कराने के लिए मैं एक्स्ट्रा जो टफ क्वेश्चन है उसका मैं वीडियो डाल सकता हूँ इसमें, तो आपको मैसेज करूंगा, पोर्टल आप चेक करना, अपडेट करना पोर्टल में, पोर्टल के थ्रू जाएगा, और इसका डायरेक्ट, सुनो और ये इसका नोट्स आप लोग अभी लिखना नहीं, डायरेक्ट और इनवर्स का मैं अच्छा से नोट्स बना रहा हूँ, एक दो दिन वेट कर रहा हूँ, ये एक चैप्टर मैं जब नोट्स डालूंगा पोर्टल में तो वो नोट्स से ही आप सेम टू सेम कॉपी में लिख लेना आप, ठीक है ना सर, ओके सर, गुड डे सर, सर अभी यस सर मैं एक्स्ट्रा क्लास में नहीं, एकदम सही एकदम सही, देखो बेटा एक्स्ट्रा क्लास तो ऐसे भी नहीं हो रहा, लेकिन उसका एक ग्रुप बन गया है ना, ग्रुप बन गया तो मैं आपके कंटेंट से रिलेटेड
अगर कुछ एक्स्ट्रा वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ तो मैं पोर्टल में भी डाल दूंगा और वो उस एक्स्ट्रा क्लास में भी डाल दूंगा। जैसे अगर मैं कोई 10 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव टेस्ट ले रहा हूँ जो आपका एनसीईआरटी से बेस्ड है, लेकिन सर, हाँ सर, तो एक्स्ट्रा क्लास वाले ग्रुप में सबको ऐड कर दो ना। ऐड कर दो, लेकिन उसका एक रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट्स है जो एडमिन बन जाना, और अनवांटेड मैसेज ग्रुप में नहीं जाना चाहिए, है ना? सर, मैं बन जाता हूँ एडमिन। कौन से ग्रुप का? तू जो ग्रुप बनाया है, ग्रुप बनाया बेटा, उसमें मैं उतना पर्टिकुलर, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं चेक नहीं करूंगा, मैं तो सिर्फ कंटेंट उसमें डाल दूंगा। अनवांटेड मैसेज नहीं आना चाहिए, नहीं तो वो ग्रुप फिर बाद में मैं रिमूव कर दूंगा, ठीक है? और कोई आप लोग एक दो स्टूडेंट्स बन जाओ उसमें एडमिन, जो पर्टिकुलर ग्रुप को मैथ्स के पर्पज से ही चलाना उसमें। सर एक मिनट, सर मैं तो हूं एडमिन, और एक और आप, बस दो ही तो एडमिन है, और किसको बनाना है? किसी गर्ल्स में बना दो किसी को एडमिन जो रिस्पॉन्सिबल हो। ओके, देखो आप कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ये क्या होता है आपका? तू तेरे ग्रुप में ऐड कौन करेगा? मोक्ष पिंचा क्या कर दूंगा, मैं भयंकर रिस्पॉन्सिबल हूँ, बता रहा हूँ। आप किसी गर्ल्स को किसी को एडमिन बना देना। चलो हम लोग टॉपिक कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ओके, कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यानी तो आप साइंस में ये बहुत कॉमन यूज है बेटा। फिजिक्स का जब आप न्यूमेरिकल बना रहे होगे उसमें प्रोपोर्शनल कॉन्स्टेंट एक टर्म यूज होता है, तो हो रहा है कि नहीं? आप लोग फोर्स पढ़े हो ना फिजिक्स में? फोर्स का डिफिनेशन क्या होता है बेटा? ना, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा आपका? एक्सेलरेशन, है ना? मींस एफ, ये प्रोपोर्शनल का साइन हटा दो तो एफ इक्वल टू के ए, ऐसा कुछ आ रहा होगा, आपका सिंबल आ रहा होगा लास्ट में, आपका एफ इक्वल टू एम ए आता है ना। तो ये सारे के सारे जो मैथमेटिक्स हैं वो फिजिक्स में भी आपका यूज हो रहा है, वो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। और प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आपका हमेशा क्या होगा? इक्वल होगा। जैसे ग्रेविटेशन फोर्स, अभी आपका ग्रेविटी स्टार्ट नहीं हुआ, 9-10 में वो जाएगा ग्रेविटेशन चैप्टर। ओके, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। यंग्स मॉडुलस में आप जाओगे तो उसका भी एक कांस्टेंट होता है, फोर्स का भी कांस्टेंट होता है। तो मैथमेटिक्स में हमारा जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है उसको आप कैसे फाइंड करोगे? जैसे एक एग्जांपल है आपका, एग्जांपल यू आर पेड ₹20 पर आवर। मान लो मैं ये क्लास ले रहा हूं और मुझे एक क्लास के लिए पर आवर ₹20 पेड हो रहे हैं। ओके, मींस वन आवर के लिए मुझे कितने रुपए मिल रहे हैं? ₹20 मिल रहे हैं। अगर मैं 2 आवर्स लू तो कितने रुपीज मिलेंगे हमें? 40 रुपीज। 3 आवर्स में कितने मिलेंगे मुझे? 60 रुपीज मिलेंगे। और इसका एक और एग्जांपल आप देखो, ये एग्जांपल, इससे आप बेहतर क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। ये है आपका वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, मींस इट इज गिवन दैट वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। सो व्हेन एक्स इक्वल टू, व्हेन एक्स इक्वल टू 3, अब आपका क्या है? When x equal to 3, so y equal to 15. y equal to क्या है आपका? 15. ये आपका given है. 15. x की value जब 3 है तो y equal to 15. अब मैं इसका proportional constant निकालता हूँ. देखो, we know that y is directly proportional to x. That's why y equal to k into x, where k is the proportional constant. ये step clear हो रहा है? देखो दिया है तो आप वाई की वैल्यू क्या डालो? 15 इक्वल टू के, तो आपका के रहेगा। और एक्स की वैल्यू क्या डालोगे आप? 3। एक्स की वैल्यू क्या डालो? 3। तो ये आपका प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। तो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट की वैल्यू जब आप 3 को ट्रांसपोज करोगे, ये 3 हमारा मल्टीप्लाई इधर जाकर क्या होगा? डिवाइड आ गया। तो डिवाइड k इक्वल टू 15 अपॉन 3 मींस 5। तो आपका प्रोपोर्शनल कांस्टेंट क्या आ गया? 5। प्रोपोर्शनल कांस्टेंट क्या आ गया? 5। तो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपके पास में क्वेश्चन इससे रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए, जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, यहाँ ये क्वेश्चन देखो आप, दो मिनट है बेटा आपके पास में, एक बार रब करो ना सर, रब। हाँ सर, बॉडी क्लियर नहीं दिख रहा है सर, रुक जाना, हो जाएगा ये। सर अब लग सर, हाँ ठीक है, आप दिखा। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट लो बेटा, स्क्रीनशॉट लो और आंसर मैसेज करना मुझे व्हाट्सएप में, है ना, स्क्रीनशॉट ले लो, आओ लेने के बाद इसका आंसर व्हाट्सएप में मैसेज करना। फिलहाल जो टाइम है उसमें से कोई बच्चा है तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। सर मैं बताऊं इसका आंसर क्या होगा? सर मैं बताऊं, बताओ सर, जल्दी सर, 18 होगा, 18 होगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ऑप्शन ए 18, 18 18 वेरी गुड। इसका आंसर 18 होगा। तो ये आपका एक क्वेश्चन है, ये होमवर्क है, आप एक्स्ट्रा क्लास का जो ग्रुप है ना उसमें जिसका 18 आया है वो सॉल्यूशन बनाकर उसमें डालना, मैं चेक कर लूंगा। सर मेरा आंसर 8 आया है। मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्स्ट्रा क्लास के नाम पे जो मैथ्स का जो ग्रुप है सर, हर चैप्टर की वर्कशीट भेजो ना। भेजूंगा बेटा, पोर्टल में सिर्फ वो क्विज है, चैतन्य की बात नहीं है, पूरी सॉल्व हो गई है, दूसरी वर्कशीट ही नहीं है। कौन सा चैप्टर है वो? सारे चैप्टर की भेजो ना सर। ठीक है भेजूंगा मैं। वर्कशीट बोल रहे हो या नोट्स बोल रहे हो? नहीं सर, वर्कशीट। ठीक है वर्कशीट, ठीक। इसका इसका सॉल्यूशन जिसका 18 आया है वो सॉल्यूशन हमें भेज रहा उसमें ग्रुप में। ओके सर, सॉल्यूशन आप भेजना। ओके ठीक है बेटा, बाय सर, बाय बाय सर, बाय सर, बाय सर, बाय सर, बाय सर, घटिया है, बाय सर, बाय बेटा, बाय बाय सर।